तो गाइस क्या आप लोग भी मेरी तरह परेशान हो गया, हमें बेस्ट कस्टमर चुड़ी क्या रखना चाहिए भाई? 2 क्लॉ पे खेले, 3 क्लॉ पे खेले, 4 क्लॉ पे खेले, 5 क्लॉ पे खेले, 10 क्लॉ पे खेले भाई। मतलब कोई बंदा अभी तक फोन पे यार 10 क्लॉ पे भी खेल रहे हैं। तो यार हमें अपने हिसाब से बेस्ट कस्टमर चुड़ी क्या रखना चाहिए, हमें 3 क्लॉ पे खेलना चाहिए, 2 क्लॉ पे खेलना चाहिए, फिर 4 क्लॉ पे खेलना चाहिए? सो गाइस अगर आपको अपना गेम प्ले फास्ट करना है, अगर आपको भी 1 टैप हेडशॉट मारने हैं, तो कम से कम गाइस आपको अपना जो गेम प्ले होता है वो 3 क्लॉ पे करना होगा। मतलब आपको 3 उंगलियों से फ्री फायर खेलना पड़ेगा। अब यार 3 क्लॉ खेलना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ बंदे ऐसी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका 3 क्लॉ पे गेम प्ले बिल्कुल बेकार हो जाता है। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होता है कस्टम एचयूडी। गाइस कस्टम एचयूडी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है 3 क्लॉ पे। तो अगर आपका कस्टम एचयूडी अच्छा है तो गाइस आपके 1 टैप हेडशॉट होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपकी मूवमेंट स्पीड होती है वो भी बहुत तेज आएगी, और तीसरी बात आपकी ग्लू होल होती है वो भी बहुत फास्ट लगेगी। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, कस्टम एचयूडी में आपको बनाते टाइम क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको अपने 2 कस्टम एचयूडी दिखाऊंगा जिसमें मैं खेलता हूं, और दोनों कस्टम एचयूडी गाइस मतलब बेस्ट कस्टम एचयूडी, उसमें आप ग्लू होल भी तेज लगा सकते हो, 1 टैप हेडशॉट होते हैं वो भी मार सकते हो, और आपकी मूवमेंट स्पीड होती है वो भी बहुत तेज आएगी। तो गाइस अगर आपको भी 3 क्लॉ पे खेलना है और आपको भी अपना बेस्ट कस्टम एचयूडी बनाना है, तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। सो चलो गाइस बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हम फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कस्टम एचयूडी की ओर। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना पूरा कस्टम एचयूडी होता है उसे रीसेट कर दिया यहाँ पे, और अब मैं आपको एकदम नया कस्टम एचयूडी बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गन स्लॉट होता है उसको यहाँ पे 70% कर लेना होगा, और जैसे मैं रख रहा हूँ आपको भी सेम ऐसी रख देना होगा, बिल्कुल जैसे मैं रख रहा हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्ट यहाँ पे रखना है आपको। तो इसके बाद आपको आता है हमारा स्कोप का टर्न, स्कोप आपको कहाँ पे रखना होगा, तो स्कोप देखो आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आपको बिल्कुल नीचे रख देना होगा। उसके बाद हमारा ग्लू वॉल का बटन आपको जॉयस्टिक के राइट साइड में रख देना होगा, जैसे कि रख के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। और ये देखो ये जो मतलब जो हमारे ग्लू वॉल के आर पार और भी चीजें होती हैं, तो वो आप जैसे सेट करना चाहो उसे कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, वो आपकी मर्जी है। और इसकी थोड़ी सी बस ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम रखना, और साइज भी मतलब एकदम 100 मत रखना, उससे थोड़ा सा कम रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो और बटन भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो इतने मतलब कुछ काम नहीं है उनका, तो वो अपनी मर्जी से आप जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो यहाँ पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट बटन जो हमारा लेफ्ट फायर बटन, जो कि हमारा 3 क्लॉ में गाइस बहुत ज्यादा काम का बटन होता है। और भी बटन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट फायर बटन ऐसे लगना है। फिर उसके बाद जो हमारा बैठने का बटन होता है मतलब क्राउच बटन, वो आपको ग्लू वॉल के जस्ट नीचे रख लेना होगा और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना होगा। और हमारा जंप का बटन होता है वो उसको भी ऐसे रखना है। तो ये 4 बटन है, इन 4 बटन की आपको यहाँ पे एक लाइन बना लेनी होगी, कर्व लाइन जैसे मैंने यहाँ पे बना दी है, तो ये भी सेम आपको ऐसे रख लेना होगा। और ये इमोट का बटन कुछ इतना काम का नहीं है, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो क्विक स्विच बटन होता है उसको आपको ऐसे रख लेना होगा जैसे मैंने रख दिया है। हमारा गन स्लॉट होता है उसके जस्ट बराबर में, तो इससे अगर आप स्नाइपिंग करना चाहो इस वाले कस्टम एचयूडी से वो भी कर सकते हो, और 1 टैप हेडशॉट मारना चाहो तो वो तो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और फास्ट ग्लू वॉल इसमें बहुत तेज लगती है। सो गाइस आप लोगों को ये कस्टम एचयूडी है कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे मेना सर्वर के जितने भी प्लेयर हैं उनमें से 90% प्लेयर होते हैं वो कुछ ऐसा ही कस्टम एचयूडी बना के खेलते हैं, मतलब उनका जो जंप का बटन होता है वो लेफ्ट में होता है। सो गाइस ये वाला जो कस्टम एचयूडी है फ्री फायर में 1 ऑफ द बेस्ट कस्टम एचयूडी है, ये बात में गाइस कोई शक नहीं। मतलब ये कस्टम एचयूडी इतना बढ़िया है ना, इसमें आप सारी चीजें कर सकते हो, 1 टैप मार सकते हो, फास्ट ग्लू वॉल लगा सकते हो, फास्ट मूवमेंट कर सकते हो, उसके बाद फास्ट स्नाइपिंग कर सकते हो, जो आपका मन करे इस कस्टम एचयूडी में आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। सो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड कस्टम एचयूडी की ओर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा जो सेकंड कस्टम एचयूडी है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, और ये वो कस्टम एचयूडी है जिस पे गाइस अभी भी मैं खेल रहा हूँ, मतलब ये अभी भी मैं इस पे खेलता हूँ। सो ये एक 4 क्लॉ के लिए भी अगर गाइस, लेकिन अगर आप 3 क्लॉ पे अभी खेलना चाहते हो तो वो क्विक स्विच का बटन जो मैंने ऊपर लगाया है वो आप कहीं और रख सकते हो ताकि आप 3 क्लॉ पे खेल पाओ। पर गाइस ये कस्टम एचयूडी है 1 ऑफ द बेस्ट कस्टम एचयूडी है भाई, मतलब इस पे मैं लगभग 1.5 से 2 साल से खेल रहा हूँ, इसमें खेलते हैं मुझे आज तक एक भी परेशानी नहीं आई है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बताने के लिए बस यही तक था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों साथ भी जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, और गाइस मैं मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।